Hello friends, how are you all? I am sure you must be fine by the grace of God. You are watching your favorite Sanskrit subject YouTube channel. In previous lecture part number 1, lesson number 5th, title is Mama Vidyalaya, my school. A two friends discuss, Rajiv and Anil. Rajiv say to Anil, look Anil, this is my school and my school is beautiful. Where is my classroom? Where I come to school every day? So let's go start a part number 2nd. Please open your textbook attentively, listen. Page number 18, first I read one by one sentence, after I do translation. So let's go. Rajiv, mama varga khandah prathna khandasya samipe एव वसति, एव अस्ति. अस्ति मीन्स अस धातु रूप, अस्ति मीन्स इज एंड आसित मीन्स वॉज. आसित ए पास्ट टेंस रूप एंड अस्ति इज द प्रेजेंट टेंस रूप. मम वर्गखंड, माई क्लासरूम इज राइट नेक्स्ट टू द प्रेयर रूम. मेरा क्लास प्रार्थना खंड के नजदीक में है. अनिल, भवतः वर्ग शिक्षक कह अस्ति. अनिल, आपके वर्ग शिक्षक कौन है, यानी कह से यहाँ पर प्रश्न बनाया गया है. तो कह का मतलब होता है इंग्लिश में हु इज योर क्लास टीचर. राजीव, हर्षा महोदया. ए मैडम, महोदय एंड महोदया. महोदय मीन्स सर एंड महोदया मीन्स मैडम. तो हर्षा महोदया, मम वर्ग शिक्षिका अस्ति, सा संस्कृतम पाठयति. हर्षा मैडम यानी श्रीमती हर्षा मेरी वर्ग शिक्षिका है, वो मुझे संस्कृत पढ़ाती है. हर्षा मैडम इज माय क्लास टीचर, सी टीचिज संस्कृत. पाठयति, टी सफिक्स मेन रूट इज पठ एंड प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर परस्मै पदा टी सफिक्स पाठयति. तो ये टेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, पाठयति रूप. अनिल, भवतः विद्यालय पुस्तकालय अस्ति वा, आपके शाला में विद्यालय में पुस्तकालय है या नहीं. अनिल, इज देयर अ लाइब्रेरी इन योर स्कूल. अनिल, राजीव, आम, यस, अहम पुस्तकालये पुस्तकम पठामि. पठामि पठ मेन रूट इज पठ, पठ धातु. मी सफिक्स प्रेजेंट टेंस थर्ड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पठामि. अहम पुस्तकालये पुस्तकम पठामि, मैं शाला में पुस्तक पढ़ता हूँ. आई रीड बुक इन द लाइब्रेरी. मम विद्यालये विशाल क्रीडांगणम, क्रीडांगण मीन्स प्ले ग्राउंड. अपि अस्ति तो प्ले ग्राउंड, मेरे स्कूल में बड़ा मैदान भी है. देयर इज ऑल्सो ए ह्यूज प्लेग्राउंड इन माई स्कूल. विराम समय अहम तत्र खेलामी. विराम समय मीन्स रिसेस टाइम. तो आई प्ले देयर ड्यूरिंग रिसेस टाइम. अनिल, अहो वाओ, भवत विद्यालय रमणीय उद्यानम अपि अस्ति. आपके शाला में सुंदर बगीचा है. योर स्कूल ऑल्सो हैज अ ब्यूटिफुल गार्डन.
अनिल, राजीव, न केवलम उद्यानम, उद्याने औषध बाग अपि अस्ति, केवल बगीचा नहीं परंतु जहाँ पर औषधियों के झाड़ लगते हैं ऐसा बाग है, यानी नॉट जस्ट ए गार्डन, देयर इज ए मेडिसिनल गार्डन ऑल्सो। अनिल, भवत रोपित वृक्ष अपि अस्ति वा, वहाँ पर प्लांटेशन किया गया है, प्लांटेड वहाँ पर वृक्ष लगाए हैं या नहीं। अनिल, इज देयर ए ट्री प्लांटेड बाय यू। राजीव, आम, यस, पश्च एष वृक्ष मया रोपित अस्ति। पश्च ये ऑर्डर है, यानी जहाँ पर आदेश दिया जाता है, तीन टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, एंड इम्प जो मूड है यानी आदेश है, तो आज्ञार्थ मूड और विध्यर्थ मूड, ये संस्कृत में दो मूड भी आते, इसमें पश्च्य रूप आता है परस्मै पद में, सेकंड पर्सन सिंगुलर में, तो पश्च का मतलब होता है देखना। पश्च एष वृक्ष मया रोपिता अस्ति, देख ये वृक्ष मैंने रोपा है। यस, लुक, आई हैव प्लांटेड दिस ट्री। अनिल, उत्तमम, वेरी गुड। तहि भवान गृहम कदा गच्छति, आप घर कब जाते हो। तो वेरी गुड, सो व्हेन डू यू गो होम। राजी, अहम सायं पंचवादने गृहं गच्छामि, मैं शाम के 5 बजे स्कूल घर को जाता हूँ। आई गो होम एट 5 o'clock इन द इवनिंग, शाम के समय। अनिल, भवत विद्यालय ननु सुंदर अस्ति। ननु ये एडवर्ब अव्यव शब्द है, जिनका मतलब है रियरली, इंग्लिश में रियरली। बहुत विद्यालय ननु सुंदरम अस्ति, आपका विद्यालय बहुत सुंदर है। योर स्कूल इज ट्रूली ब्यूटीफुल, तो मम विद्यालय वेरी ब्यूटीफुल। राजीव एंड अनिल डिस्कस, मम विद्यालय इज वेरी ह्यूज, क्लासरूम इज वेरी ह्यूज, एंड गार्डन, बिग गार्डन, ब्यूटीफुल गार्डन, औषध बाग इज ब्यूटीफुल, ऑल द डिस्कस इन द मम विद्यालय। ये सभी विद्यालय के बारे में यहाँ पर राजीव और अनिल ने डिस्कस किया। तो पार्ट नंबर सेकंड इज कंप्लीट टुडे, पार्ट नंबर सेकंड इज कंप्लीट। गुड डे, गुड बाय, जय स्वामी नारायण।